आखिर तक ये फसाना सलामत रहे। इसे बोलो पादरी आस्ताना सलामत रहे। सुभान अल्लाह। ये महीना किस याद मेराज शरीफ का महीना है। कहो ना सुनियो सुभान अल्लाह। मेरे आका की मेराज का महीना है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ हो। कहो सुभान अल्लाह। मेरा शरीफ ने खास तोहफा लेकर आया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम। वो तोहफा क्या था? नमाज। क्या तोहफा था? कितनी नमाजें मिली थी? 50। अब कितनी पढ़ते हैं? जो नहीं पढ़ता वो पढ़ेगा इंशाअल्लाह। हुजूर की महफिल में आए हो, नमाज में आका की आंखों की ठंडक, मेरे आका की आंखों की ठंडक कौन कौन हासिल करेगा? आज हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये सुनियो, मस्जिदों को आप नहीं आबाद करना, मस्जिदों को आबाद आप ही ने करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनियो, 50 से 5 कैसे हुई लिखते शायद के हुकुम नमाज़े 50। हुकुम के नमाज़े 50। मान जाओ मेरे आपा, आपका आना जाना सलामत रहे। पाकिस्तान में एक शख्स था, उसने हुजूर की शान में बकवास करी, तो उसके साथ रहने वाला उसका सिक्योरिटी गार्ड, उसने सिक्योरिटी गार्ड ने जब उसकी बकवास सुनी तो सिक्योरिटी गार्ड ने फैसला कर दिया। कहते सुभान अल्लाह। अहम बात दे रहा हूँ आपको, ईमान की बात दे रहा हूँ, सुनिए। और सुभान अल्लाह। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि जब इसने हुजूर से वफादारी नहीं की तो ये मुझसे क्या करेगा। उसने उसको जहन्नम पहुंचा दिया। कहां पहुंचाया? अब जब जहन्नम पहुंचाया तो पुलिस वाले आ गए। जिसने उसको जहन्नम पहुंचाया उस आशिक रसूल को पुलिस वाले पकड़ के जेल में ले गए। जब जेल में ले गए, जेल पहुंचा, जेल में पहुंचने के बाद कुछ आशिक पुलिस वाले थे, उसने कहा कि हमने सुना है कि तू नाते भी बहुत अच्छी पढ़ता, जरा कोई नात तो सुना अच्छी सी। तो आशिकों वो जेल में बैठ के भी नीदरलैंड के गयूर सुनियों, वो जेल में बैठ के भी हॉलैंड के गयूर सुनियों को दुआ देता है। दुआ क्या देता है? देता है या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल जेल में बैठ के भी हॉलैंड के गयूर सुनियों को बुला नहीं। हम तो चेयर्स पर बैठे हैं,
और यहाँ बैठ के उसको दुआ देंगे तो इंशाल्लाह मेरा ईमान ही मेरा आपका खुश होंगे। सुभान अल्लाह। فطرت فاطمہ پر اجاگر نثار فطرت فاطمہ پر بولو جگہ پر نثار بولو نثار فطرت